सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। एंड साथ में हम बात करेंगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए, और साथ में हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में। आपको मार्किंग स्कीम का मतलब यह है कि अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बेस्ट बुक जो है वो भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन और आपके केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मैथ के हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, इनके सबसे ज्यादा जो मार्जिन रख रहा है वो आपका मैथ से रखना है। तो प्लीज आप मैथ पहले सही तरीके से कीजिएगा। टोटल आपके देख सकते हो, टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखें कि क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस सही तरीके से कर ले। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। फिर उसके बाद आपको एक बुक लगानी, मैं भी बता देता हूं बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी और आपको उसको मार्केट से परचेस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बेस्ट बुक जो है आपकी वो है अरिहंत की। अरिहंत की बुक देखो, जैसे मैंने आपको फ्रंट पेज अभी दिखा दिया, फ्रंट पेज आपका इस तरीके से, यही बुक आपको बाय करनी है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मॉडर्न क्वेश्चन पेपर को ही बाय कर लेते हैं, वो नहीं बाय करना। आपको दोनों चीजें बाय करनी है, जिसके अंदर मॉडर्न क्वेश्चन पेपर भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो। तो ऐसी बुक की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो प्लीज आप यहां से बाय कर लीजिएगा। ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब इतना क्लियर करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जो अरिहंत की बुक है, सबसे पहले आपको इनका बेसिक पढ़ लेना है, मैथ का और साइंस का पूरा बेसिक पढ़ लीजिए क्लास 9th और 10th का। उसके बाद आपको अरिहंत के टॉपिक वाइज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। कंप्लीट सिलेबस जैसे आपको बुक में मेंशन कर रखा है वैसे आप करते जाइए, और साथ में मॉडर्न क्वेश्चन पेपर को भी लगाते जाइए। ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो ये आप इस तरीके से आपको तैयारी करनी, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस जो इस बुक के अंदर पूरा मेंशन है, तो आप अगर आप इस बुक को बाय करते हो तो इसके अंदर पूरा सिलेबस मेंशन होगा, उसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद आप देखो मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं कि आपके करेक्ट मार्क्स के कितने नंबर होंगे, इनकरेक्ट मार्क्स के कितने नंबर होंगे। देखिए अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हो तो आपको 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके आ रहे थे टोटल 120 नंबर, आपने उनमें से 10 क्वेश्चन गलत कर रखे, तो क्या होंगे, 10 नंबर जो है माइनस हो जाएंगे, यानी आपके बन जाएंगे 110। तो ये चीज क्लियर हो गई, इनकरेक्ट आंसर के 1 नंबर कटते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग यूपी पॉलिटेक्निक में होती है, बिहार में नहीं होती और दिल्ली में भी होती है। ये चीज आपको क्लियर होगी, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है इसमें। यूपी और दिल्ली में आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, बिहार वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि मैथ से आपके 50 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमने ये बताया आपको कि अगर आपको तैयारी करनी है तो मैथ और साइंस को पूरा कीजिए, फिर उसके बाद आप अरिहंत की बुक लगाइए, एंड देन आप इसका मॉडर्न क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए ये पूरा टॉपिक वाइज कवर करने के बाद। और अगर आपको मार्केट से बुक नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप बाय कर सकते हो। उसके बाद आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये हो गया आपका मार्किंग स्कीम। यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पूछते हैं कि भैया हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो हम कितने मार्क्स लाए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर ले। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप यहां पर देख सकते हो आपके टोटल क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन है। अगर आप इनमें से 60-70 के बीच में अगर सही कर देते तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपने कुछ इनकरेक्ट कम से कम करिए और मैथ के क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करिए। ये चीजें आपको क्लियर होगी। और भी कुछ चीजें जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, प्लीज आप एक बार कमेंट कर देना कि आप प्लीज भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज किस तरीके से सिक्योर करें। तो प्लीज एक बार आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बना दूंगा। और एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक का अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, आप फॉर्म को वहां से फिल कर सकते हैं देख के, राइट। वहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फोटो का रिसाइज वगैरह करने में। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।